आशा कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को एक पैकिंग मशीन के बारे में पूरी तरह जानकारी दूंगा, और ये मशीन आपने कभी देखा नहीं होगा। इस मशीन में जो खासियत है ना, वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये मशीन नहीं है, ये एक तरह का रोबोट है। आप जो भी अपने मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर पाउच को फिनिशिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये मशीन लेना पड़ेगा ही, क्योंकि इस मशीन से ही आप उस प्रोडक्ट को क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे कि आप कितना भी खर्च कर लें अपने मटेरियल को मार्केट में सेल करने के लिए, अगर रेडीमेड लेकर के भी, तो आपको एक पैकिंग मशीन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। क्यों? इसलिए कि कोई सा भी जो बड़ी ब्रांड है वो अपने प्रोडक्ट को पाउच में पैकेट में पैक करके सेल कर लिए, क्योंकि वो एक ब्रांड बन गई। आपको भी अगर मार्केट में ब्रांड बनना है तो आपको पैकिंग मशीन लेना होगा। लेकिन आप अगर पैकिंग मशीन ले रहे हैं तो आपको ये नॉलेज नहीं होता है कि हमें कौन सा पैकिंग मशीन लेना चाहिए, किस आइटम के लिए लेना चाहिए। लोग सोचते हैं एक पैकिंग मशीन ले लूँगा हम तो उससे हमारा सारा जो है पैकेट में पैक होके मटेरियल निकलता जाएगा। तो ये आप गलतफहमी मत रहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप पैकिंग मशीन लेते हैं या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना मार्केट में उतारते हैं तो आपको एक रेंज पता होता है कि हमें कितना ग्राम से कितना ग्राम मार्केट में उतारना है, उसी हिसाब से आपको मशीन लेनी होगी। तो आइए हम आपको मशीन पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको रिव्यू भी दिखाऊंगा। पहले आप मशीन दिखा दो। हाँ, तो मैं आपको ये मशीन जो दिखाया, अब मैं इसके बारे में फुल जानकारी देता हूँ कि ये मशीन में आखिर क्या है, कि ये एक रोबोट की तरह काम करता है और कैसे करता है, आपको इसकी जानकारी पूरी में दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, ये एक पैकिंग मशीन है, ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, जिससे आप लर्री निकाल सकते हैं, लर्री को 10-10, 12-12 में आप काट सकते हैं। इसमें आप एयर भी फिल कर सकते हैं, जैसे आपको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हो वो भी आप इसमें फिल कर सकते हैं आसानी से। तो पहला मैं आपको समझा दूं कि मशीन के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका, मैं लेकर चलता हूँ, ये होता है मटेरियल, जो मटेरियल को स्टोर करता है हॉपर, जिसमें मटेरियल ये डाला जाता है। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरी पार्ट आती है हमारी डिस्क, जिसमें आप मटेरियल को फिट करते हैं। मटेरियल फिट करने के बाद एक कप लगा होता है इसमें, आप देख रहे हैं ये जो कप होता है ये वेट करने के लिए होता है। जितने ग्राम का आपको पैकेट निकालना है उतने ग्राम का आपको कप लगाना होगा। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है, ये आपके पास सूट, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है सूट, इसको आप देख ले, क्योंकि इस सूट के बारे में लोगों को जानकारी नहीं रहती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सूट है, ये आगे से आप देख लिए और ये पीछे से। तो जो मटेरियल होता है ये इस सूट में ही गिरता है, और ये सूट में गिरने के बाद ये इसमें नीचे चला जाता है। आपको सूट भी मैं इसी वीडियो में लगाने दिखा देता हूँ कि सूट लगाते कैसे। जैसे ही आपको अगर सूट चेंज करनी है तो ये सूट आपको लेना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरह करके इसमें फिक्स कर देना है। ये आपका 4 नोब लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 नोब लग गया, और आपको इसके बीचों बीच आपको ये सूट को लगा देना है, जिससे आपका प्रॉपर जो इस पर रैपर कवर हो जाएगा, और ये रैपर मूव करके आपका नीचे चला जाएगा और पैकेट में पैक होकर आपका माल निकल जाएगा। अब रही बात कि आपको ये भी पता कर लेना होगा कि हमारे मशीन जो मिल रही है हमारे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसमें क्या क्या लगा है। ये देखिए आपको फुल न्यूमेटिक मशीन, फुल न्यूमेटिक किसे बोलते हैं इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये है फुल न्यूमेटिक मशीन, जो आपका वर्टिकल सीलर है, जो सेंटर सील करता है, ये भी आपका न्यूमेटिक के थ्रू ये होगा। ये देखिए ये पंचिंग जो है न्यूमेटिक के थ्रू करेगा, जिससे आपका एयर लीकेज बिल्कुल होगा ही नहीं, इसमें फ्रेम्स आइटम आराम से निकल सकते हैं। ये है आपका, ये है हॉरिजॉन्टल सीलर मशीन, इसमें क्या है आपको हॉरिजॉन्टली आपका ये पंचिंग मारेगा, ये भी आपका न्यूमेटिक है, जिस न्यूमेटिक के थ्रू आपका पैक करेगा। उसके बाद थर्ड वन आ जाता है, आप देख सकते हैं ये है आपका माल जो आपका पैकेट में पैक होकर गिरेगा, ये आपका आसानी से बाहर आ जाएगा, और इसमें बहुत सारे आइटम्स लगे हुए हैं। ये FRL लगा हुआ है जो आपका एयर को कंट्रोल करता है। बाकी आप इस मशीन में देख सकते हैं, मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ, जब आप इसमें पावर सप्लाई देंगे तो आपको पावर ऑन हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, इस नोब को आपको मूव करना है,
ऑन होते ही आपका ये पावर ऑन हो जाएगा। ऑन करने के बाद आपका मशीन जो है ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर है दोनों, ये ऊपर वाली सीलर के लिए है जो आप देख रहे हैं इसमें लगा है, और ये है नीचे वाले के लिए जो ये है आपका सीलर इसमें लगा है, हीटर लगा है, ठीक है। दोनों टेम्परेचर कंट्रोलर आपको ऑन हो जाएगा जिससे आपका ये दोनों सीलर हीटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। अब हीटिंग के लिए रेडी हो गया, आपका टेम्परेचर जो है 100 to 120 आपका, या तो 90 नीचे वाला का रखना है, और आपका एलिमेंट हीट होने के बाद आपको क्या करना है कि इस हॉपर में आपको माल डालना है। ये आपका जो हॉपर दिख रहा है इसमें माल डालेगा ये, इसके बाद आ जाता है ये वाइब्रेटर सिस्टम जिसमें आपका माल आसानी से गिरेगा। ये स्टेलर है, स्टेलर में माल गिरने के बाद ये आपका कप में आएगा, कप में आने के बाद ये नीचे जो दिख रहा पार्ट इसके थ्रू आपका ये माल गिर जाएगा और ये नीचे आकर के आपका पैकेट में पैक होने लगेगा। ये है आपका वाइब्रेटर सिस्टम, जो बहुत सारे मशीन वाले क्या करते हैं कॉस्टिंग बचाने के लिए आपको वाइब्रेटर सिस्टम नहीं लगा करके देते हैं। हम आपको बता देते हैं कि इस मशीन में आपको जो आगे बहुत सारे रोल जो होते हैं ये क्या होते हैं पाउच के लिए बेस्ट होते हैं, जो आपका रिंकल वगैरह पाउच में आता है। अभी इस मशीन में आपका जो अनवाइंडिंग वगैरह सिस्टम लगना बाकी है। आप जब हमारे पास ऑर्डर देते हैं तो हम सारे पूरी मशीनों को रेडी करके और आपको डिस्पैच करते हैं, और हमारे इस मशीन को आप ले सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, और जितनी जानकारी हो सके हमसे आप ले सकते हैं। और जैसे आपको इस मशीन को लेना है तो हमारे फैक्ट्री भी आकर के आप इस मशीन को देख सकते हैं, और इस मशीन में क्या क्या खासियत है मैं आपको बता देता हूँ। इस मशीन में आप मेनली जो स्नैक्स आइटम होते हैं वो सारे आप पैक कर सकते हैं, जैसे आ गया आपका नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, और फ्रेंड्स आइटम में पफ हो गया, रिंग हो गया, चीज़ बोल हो गया, और भी जैसे आपका कप फिलिंग में अगर मसाले में आते हैं तो मसाले का भी, क्योंकि इसकी रेंज जो होती है वो आपका 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक होती है, और एक जो रेंज होती है आपका 50 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक आप इसमें पैक कर सकते हो। वो आपका मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप इस मशीन में क्या पैक कर रहे हो, उस हिसाब से इस मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि इस मशीन का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, और एक मशीन ले करके आप जैसे 100-150 आइटम आराम से पैक करके निकाल सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू मैं तो यही आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप इस मशीन को लेने से पहले अपने प्रोडक्ट को देख लें और उस हिसाब से ही मशीन डिजाइन करवाएं। बाद में बहुत सारे लोगों को मशीन लेने के बाद प्रॉब्लम आती है कि सर ये अच्छे से पैक नहीं कर रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो देखिए एक मशीन जो है अगर उसे मल्टीपर्पज काम करवाते हैं आप तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि सूट आपको चेंज करना है और कब चेंज करना है इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक ऑपरेटर रखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑपरेटर का क्या काम होता है कि वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेटर जो है वो सीख जाता है, उसके बाद वो अपने हिसाब से ही वो सेटिंग करता है। अगर आप न्यू कमर है, आप ले करके चलाना चाहते हैं, आप भी चला सकते हैं। जब हमारा लड़का आपको इंस्टॉल करने जाएगा ये मशीन, तो आप इस मशीन को जब इंस्टॉल करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हमें ही सीखना चाहिए, तो उस लड़के को आप बहुत सारे 5 दिन आप रख लीजिए और इस मशीन को अपना ये करके चलवाइए, और हमारे चैनल बने तब तक।